ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती है तो उसे उत्तर प्रदेश में बने सपा बसपा गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में लाने का फैसला अच्छा है। अगर कांग्रेस भाजपा से लड़ने की बात कहती है तो उसे सपा बसपा गठबंधन का सहयोग करना चाहिए। हमने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट पहले से ही छोड़ दी है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बारे में अखिलेश ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में प्रियंका का स्वागत करते हैं। नया भारत बनाने के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक आयोजित किए जाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा को कुंभ और कन्नौज के बीच रिश्ता याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। राजा ने ही कुंभ में दान का रिवाज शुरू किया था। वह कुंभ आकर दान करते थे। अगर भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के प्रति गंभीर है तो वह बताए कि उसने उनकी सरकार की योजनाओं का उद्घाटन करने के अलावा और क्या काम किया है। अयोध्या विवाद को मात्र 24 घंटों में सुलझा देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि यह योगी पहले किसानों को अगले 90 दिनों में सांड से बचा लें जो फसल चौपट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री ने यह बयान गणतंत्र दिवस समारोह में दिया। आप समझ सकते हैं कि वह किस किस्म के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।